तो आज हम आप सबके लिए कुछ नया लाए हैं बेफिक्र इंजीनियर पे, कुछ मैजिक टाइप आपको अपने बचपन के दिन याद आ जाएंगे। आज हम आपको एक न्यू मॉडर्न स्टाइल मैजिशियन से मिलवाते हैं। सो माय नेम इज एडी, आई एम अ स्ट्रीट मैजिशियन। बेसिकली अभी मुलाकात हुई इनसे, बहुत चिल लोग हैं। इनका चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन हिट करो, और सर का भी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन हिट करो, पूरा पूरा व्यूज दो। सही बात है। सो आई हैव लाइक ऑल डिफरेंट कार्ड्स। यहाँ कोई सेटअप नहीं किया हम लोगों ने पहले से कि आपको ये बोलना है ऐसा कुछ, राइट? एवरीथिंग इज रैंडम। सो आई विल गिव इट अ शफल जस्ट वंस, ओके? एंड आई वांट कि आप इसमें से एक कार्ड निकालें, कोई भी। शो इट टू द कैमरास, डोंट शो इट टू मी। शो इट टू द कैमरास, डन। ओके, गिव इट टू बैक टू मी, या दैट साइड। ओके, सो आई विल प्लेस इट समवेयर इन द सेंटर जस्ट लाइक दिस, राइट? एंड हम लोग इसे एक बार और शफल कर देंगे जस्ट इन दिस वे। Okay, so top card is not your card and not even the bottom one. Sare cards alag hain, right? Place your hand in this way. Okay, so sare cards alag the and maine upar ka card aur niche ka card dikha diya ki sab alag hain, right? You remember your card? Right, okay. एक्चुअली सबसे बड़ा की ये रहता है, जब हम मैजिक में स्नैप करते हैं फिंगर तो कार्ड यूजुअली जंप्स ऑन टॉप। सो नाइन ऑफ हार्ट्स, आई थिंक दिस वॉज योर कार्ड। This wasn't your card? No. Wait. Just keep it in your hand, just like this. Just think about your card. Five किस चीज का था? I have no clue about that. चार होते हैं basically. Just think about your card. Okay, just check the card you have. It's seriously five आया, पहले नौ था. So yeah, thank you so much guys. Thank you so much and subscribe their channel and my channel too. Thank you. Thank you so much. सो फ्रेंड्स, ये है गदी सागर लेक। यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं, फोटो शूट कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारे साथ बेस्ट एक्सपीरियंस हुआ कि हमने यहाँ पर जादू भी देखा। और गदी सागर लेक जो है आज के टाइम पे हॉटस्पॉट बन चुका है फॉर प्री वेडिंग शूट्स। लेक जो है 24/7 ओपन है, कोई एंट्री फी नहीं है, बट हाँ बोटिंग के चार्जेस है। बोटिंग अकॉर्डिंग टू कौन सी बोट आप लेते हैं उसके अकॉर्डिंग है, मैक्सिमम लाइक 600-700 तक चार्जेस है। और एक साइड पे घाट है और गदी सागर लेक के दूसरी साइड पे पूरा नेचर लाइक जंगल टाइप है। चलो चलते हैं बोटिंग के लिए फिर। सो बोटिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम। बोट्स में हम बैठ गए हैं, यहाँ गया मोटू हमारा, और अब हम जाने वाले हैं। हाफ एन आवर का रहेगा बोटिंग, तो देखते हैं कैसे एक्सपीरियंस रहता है। मिलते हैं आपको बोट के पास। बोटिंग तो स्टार्ट हो गई है, तो आइए जानते हैं कुछ गदी सागर लेक की हिस्ट्री के बारे में। जिस गेट से हमने एंट्री की थी उसको कहा जाता है टीलो की पोल। टीलो एक डांसर थी हैदराबाद से, जो बेसिकली पाकिस्तान से बिलोंग करती थी। वो मतलब लाइक उसने राजा को ना अपने प्यार में पूरा पागल बनाया हुआ था, और लाइक वो नोटों की बोरियां भर भर के कहते हैं कि रात को लेके जाती थी। बट कुछ टाइम के बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि उसे ये वो इतना गलत काम करती है और उसे कुछ अच्छा काम करना चाहिए ताकि उसे भी हिस्ट्री में लोग याद करें। तो उसने ये गेट बनवाया था विजिटर्स के लिए। बट जो भाटी लोग के भाटी समाज के लोग थे वो राजा के पास गए और उन्होंने कहा कि हम इस गेट के नीचे से नहीं जाएंगे, इसे तुड़वा दीजिए, बिकॉज ये हमारी मान प्रतिष्ठा के खिलाफ होगा। तो राजा जिस दिन अगले दिन इसे तुड़वाने आया तो वहाँ पर आरती चल रही थी, उन्होंने गेट के ऊपर एक भगवान जी की मूर्ति बनवा दी ताकि कोई भी इसको तोड़े ना और उसे मतलब श्रद्धा भाव से उसे देखे। तो इसे बहुत ही धार्मिक स्थल माना गया, बट आज भी राजा टेम्पल के रास्ते से ही आता है, इस रास्ते से नहीं आता है। चार बज गया, हम यहीं बैठे हैं। 12 बजे से 4 बजे तक हम सनसेट का ही वेट कर रहे थे, लेकिन हमने हमारे फ्रेंड के लिए हमने सोचा चलो देख लेते हैं। हाँ, 5:30 वहाँ चले जाना। कहाँ पे? बाइक खड़ी देख रही है? हाँ दिख रही है। ऊपर से वहाँ चले जाना। अच्छा, पूरा एकदम बिल्कुल सनसेट का व्यू दिखेगा। अच्छा, वहाँ जा सकते हैं, वो घाट है सारे। अच्छा, पैदल जा सकते हैं मंदिर के बगल में। कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स से सीधा रास्ता जाता है। अच्छा, तभी हम सोचे ये फोटो के व्यूज कहाँ से आ रहे थे। पास से आए नहीं अभी, एक साथ तोड़ेंगे ना तब मजा आएंगे। कहाँ तक जाएंगे भैया हम, पूरा एंड तक? अच्छा, वहाँ तक नहीं जाएंगे, वो बत्तख जा रहे हैं। क्यों अटक? अच्छा,
I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this pain, am I complicitly betrayed? There's no air left to breathe. I'm drowning. Vultures are circling me. भैया आप बोर हो जाते हो बोटिंग चला करते करते? यही करते हो है? गाइड बन जाया करो कभी कभी, थोड़ा चेंज इन पैशन। हाँ कभी अच्छे आते हैं तो बनना ही पड़ता है। अच्छा नहीं तो यही काम है। मेहनत तो पूरी लगती होगी ना? पूरी ताकत लगती है। क्या खाते हो, दाल बाटी चूरमा? जो घर में बनता है। अच्छा दाल बाटी चूरमा प्रताप भैया सूरमा। दाल बाटी चूरमा प्रताप भैया सूरमा। फाइनली हमारे यहाँ पे एंड होता है बोटिंग का, और अब हम जा रहे हैं कुछ अलग ट्राई करने डिनर टाइप में, क्योंकि अब हमारे पास और कुछ घूमने के लिए पता नहीं है। सनसेट हो चुका है और हमारी रात की ट्रेन है, तो उससे पहले कुछ नहीं हुआ है। सनसेट नहीं हुआ है, मोटा बहुत झूठ बोल रहा है, इतनी तेज सूरज चमक रहा है। सनसेट होगा तो हम लेट हो जाएंगे, फिर हम डिनर नहीं कर पाएंगे। तो डिनर हम ऐसे पॉइंट पे करना चाहते हैं जहाँ से पूरा सिटी का व्यू दिखे, जस्ट लाइक उदयपुर। सो मिलते हैं डिनर पे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। तो बोटिंग के बाद अब हम आ गए दोबारा से फोर्ट में सनसेट देखने के लिए, बट हमारे और कुछ हमारे पास मतलब बचा नहीं था। अब हम किसी होटल में ना जाकर अब हमने सोचा है कि बिल्कुल फोर्ट तो के एंड पॉइंट से हम सनसेट देखें। सनसेट व्यू सबसे अच्छा व्यू है, सबसे अच्छी जगह है देखने के लिए, और वहीं आप जाएं इवनिंग अपने बिताएं। बट मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि जो ये लोग बोलते हैं वो सब क्या होता है, इनके रेफरेंस से होता है, इनके कमीशन होता है, तो इसलिए क्या करें वहाँ ना जाकर सिटी के व्यूज़ एंजॉय करें, देखें आसपास क्या है और कौन से व्यू ऐसे हैं जहाँ से आप एक्सप्लोर कर सकते हो सिटी के व्यू, कहाँ से आप व्यू कर सकते हो सनसेट। अब हमारा सफ़र जैसलमेर का यही समाप्त होता है, हमने सनसेट देख लिया, बहुत अच्छा व्यू था। प्रेफर कीजिएगा कि फोर्ट के एकदम लास्ट वॉल पे जाकर ही सनसेट देखें, बहुत ही अल्टीमेट व्यू था। तो ये है रात का नज़ारा फोर्ट का, कुछ इस तरीके का। ऑलमोस्ट सब कुछ पैकअप हो चुका है, और ये जो शॉप्स हैं ये लोग अपने अपने घरों के बाहर ही लगाते हैं। एंड बेस्ट इनका डायलॉग है, शॉपिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, तो दिस इज़ हाउ दे इम्प्रेस द कस्टमर्स। सो गाइज गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? आज पूरा दिन इतना टायरिंग था, तो हम थक चुके हैं। पहले हम गढ़ी सागर ले गए, उससे पहले हम पत्तों की हवेली गए, और अभी फिर हम वापस पोर्ट आए थे क्योंकि हमें सनसेट का व्यू देखना था, और सनसेट का व्यू जो था बहुत ही अमेजिंग था। सो ओवरऑल ट्रिप ऑफ द जयपुर इज लाइक अमेजिंग, लाइक सैंड सॉरी जैसलमेर, दैट्स वाई शी इज़ हेयर टू करेक्ट मी ऑलवेज बिकॉज शी इज़ माई वाइफ। एंड सो फाइनल बाय बाय टू जैसलमेर, हम जा रहे हैं। एक टिप देना चाहेंगे कि जैसलमेर में बहुत लूटपाट है, तो बच के रहे, हर कोई अपना एक रेफरेंस देता है, तो उसके चक्कर में बहुत से टूरिस्ट लूटे भी जाते हैं, और बहुत से इंटरनेशनल टूरिस्ट ने रिव्यूज़ में भी ये बहुत कुछ बताया है। तो जब भी आप कोई भी चीज़ पूछे या गाइड ले या कुछ भी रहे, तो क्रॉस चेक करते रहें उनको, काफ़ी चीज़ों से मतलब तीन चार से कन्फर्म करके ही करें,
आप ऑटो करोगे, अगर 10 रुपए का ऑटो है तो वो 50 रुपए मांगेगा, 50 रुपए का ऑटो है तो वो 100 रुपए मांगेगा, 200 मांगेगा। इवन दो टूरिस्ट के जो गाइड्स हैं बेसिकली, गाइड भी मिस गाइड करते हैं, सो दे आर नॉट गाइड एक्चुअली, दे आर मोर लाइकली टू बी मिस गाइड, बट सब ऐसे नहीं है, सम ऑफ देम आर लाइक दैट। सो बी लाइक अटेंटिव ऑलवेज रिगार्डिंग योर मनी एंड रिगार्डिंग द पर्सन हु आर टेलिंग यू द फैक्ट्स एंड द ट्रूथ्स अबाउट द प्लेस। सो दैट्स द ओनली टिप वी गाइज वुड लाइक टू गिव यू। सो बाकी के टिप्स हम हमारी वीडियोस में देते रहेंगे, तो अपडेट रहिएगा हमारे YouTube चैनल पे, बने रहिएगा, हमारी वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करते रहिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बाय। सो फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं दिल्ली के, अब हम जा रहे हैं हमारी पूरी जर्नी खत्म करके अपने घर। एक्चुअली हमारी पुरानी दिल्ली की ट्रेन थी, लेकिन क्या हुआ हम थक गए थे ट्रेन में बैठे बैठे, और हमारा घर जो है दिल्ली कैंट के पास था, तो हम दिल्ली कैंट ही उतर गए। यहाँ से हम लोग लेंगे ऑटो और पहुँचेंगे सीधा घर, डिनर करके फिर हम करेंगे फाइनली रेस्ट, और कल से अपना काम शुरू। क्यों लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे टुगेदर, सी यू, बाय।